हाँ दोस्तों, माय नेम इज़ आसू एंड वेलकम टू माय चैनल आसू फ्रेंड्स। तो आज मैंने एक नया चीज़ सीखा है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं इलस्ट्रेटर में एक इल्यूजन टाइप का बनाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, वो भी वो जो मैं इल्यूजन बनाऊंगा वो मैं एक स्केल टूल्स की वजह से मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपना ये ओपन करता हूँ इलस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से दो पिलर्स बना के रखा है, ठीक है, जिसके ऊपर एक और पिलर्स। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया हुआ है एंड देन उसके बाद मैंने ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। ग्रुप करके देन मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, बिना सेलेक्ट किए ये काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। सो मैंने पहले यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड देन उसके बाद मैं गया स्केल टूल में, स्केल टूल को सेलेक्ट किया और स्केल टूल का ये जो पॉइंटर है वो जहाँ पे आप रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे एंड तो उससे पहले एक बात, ठीक है, ये जैसे पिलर्स हैं, ये तो हुआ दो पिलर्स है, क्यों आप सपोज आप इस पिलर्स के नीचे बैठे हुए हैं यहाँ पे इस ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ पे ये पॉइंटर है, ठीक है। तो वो दिखने में कैसा लगेगा, बिल्कुल ऐसे करके गया हुआ है कि नहीं, तो वो दिखने में कैसा लगेगा, और अगर आप फ्रंट से देखते तो देखने में कैसा लगेगा, अपर साइड से देखते तो कैसा, और लेफ्ट साइड से देखते तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो यही आज हम करने वाले हैं। सो इल्यूजन टाइप का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा टूल मैंने आज सीखा है, तो बहुत सारा चीज़ भी मैंने बनाया है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और पॉइंटर को यहाँ पर डाला, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे ड्रैग करना होगा यहाँ पर, ये जो कर्सर है, अल्ट दबाया, अल्ट प्लस शिफ्ट एंड देन लेफ्ट क्लिक माउस का करके ड्रैग किया मैंने इसको, ठीक है। मुझे क्या करना है, नीचे अगर मान लीजिए हम ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हैं कि नहीं, तो वो कैसे दिखा। तो मैं यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ पे लाके इसको मैंने रिलीज़ कर दिया, पहले सबसे पहले माउस का बटन रिलीज़ करना है, ठीक है, देन उसके बाद अल्ट प्लस शिफ्ट को रिलीज़ करना है। सो पहले मैंने माउस का बटन रिलीज़ किया, देन उसके बाद अल्ट प्लस शिफ्ट को रिलीज़ किया, ठीक है। देन उसके बाद हम इस सबको हमें इस सबका हमें डुप्लीकेट्स बनाना है, सो उसके लिए हमें कंट्रोल डी करना होगा। सो मैं बहुत सारा हमें बनाना है डुप्लीकेट्स ऑब्वियसली, सो कंट्रोल डी मैं करते गया। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था, हम अगर ग्राउंड फ्लोर से देखें तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, तो ऐसा दिखता है कि नहीं। अभी मैंने कलर नहीं भरे हैं क्योंकि कलर भरने से बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने अभी कलर नहीं भरा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हैं तो कुछ इस तरह के से दिखेगा, अगर हम फ्रंट से देखें तो कैसे दिखेगा, यानी मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा फेस तो इधर होगा, तो फ्रंट से देखेंगे वो कैसा रहेगा, वो भी मैं भी करता हूँ। तो अंडो किया सबसे पहले मैंने इसे कंट्रोल जेड से, ठीक है, एंड देन अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट ही रखना है ऑब्वियसली, एंड देन उसके बाद मैं फिर से गया स्केल टूल, देन उसके बाद इसे मिडिल में ही रखना है इस पॉइंटर पर, ठीक है, क्योंकि हम फ्रंट से अभी देख रहे हैं। देन उसके बाद वही हमें करना है, क्लिक करना है एंड अल्ट प्लस शिफ्ट के साथ माउस का माउस को ड्रैग करना है, ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम वही माउस का बटन रिलीज़ करेंगे, देन उसके बाद अल्ट प्लस शिफ्ट का बटन हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया एंड देन फिर से हम कंट्रोल प्लस टी कॉपी करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये कुछ दिखने में इस तरह से दिखा है, बिल्कुल फ्रंट, बिल्कुल फ्रंटली पूरा गया हुआ है सीधा, ऐसे करके पूरा यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट से दिखने में ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब अपर साइड से देखने में कैसा लगता है एंड देन लेफ्ट साइड से कैसा लगता है वो अभी मैं करता हूँ। सो कंट्रोल जेड मैंने किया अंडो के लिए एंड देन उसके बाद फिर से मैंने लिया स्केल टूल, देन अभी मुझे सपोज अपर साइड से देखते हैं, तो अपर साइड से देखने में वो कैसा लगेगा, बिल्कुल जैसे ऐसे करके नीचे की तरफ गया होगा ऐसा कुछ दिखेगा कि। तो यहाँ पे चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर को यहाँ पे लाया, फिर मैंने लेफ्ट क्लिक किया माउस का बटन को, फिर अल्ट प्लस शिफ्ट करके ट्रैक किया मैंने, ठीक है, एंड देन यहाँ पे लाके मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। देन फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, एक्चुअली ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस हो गया, सो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से बस इसको मैं यहीं पे रिलीज़ कर दिया, देन फिर कंट्रोल डी। तो ऊपर से देखने में हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो गैप ऑब्वियसली दिखाई नहीं देगा, सब तो एक ही डिस्टेंस में दिखाई देगा, तो इसलिए गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर से भी देख रहे हैं, ऊपर से देखने में कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक। अब हमें देखना है कि लेफ्ट साइड से ये कैसा दिखता है प्लस। सो चलिए फिर से वही कंट्रोल देख देते हैं, अंडू अंडू करते हैं, ये सब हम स्केल टूल्स की हेल्प से करते हैं। तो अब हमें हमारा सिर्फ लेफ्ट साइड का बचा है, सो लेफ्ट साइड का देखते हैं, देन फिर वही अल्ट प्लस शिफ्ट एंड देन माउस का लेफ्ट बटन हम किए, ड्रैग करके नीचे लाए, देन यहाँ पे हमने इसको रिलीज़ किया, देन फिर कंट्रोल डी कॉपी हम कर रहे हैं एंड लेफ्ट साइड से दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम इससे बहुत सारी चीज़ पिलर्स ही नहीं, पिलर्स तो मैंने बस वैसे ही बनाए दिखाने के लिए कि कैसा दिखता है, इसलिए बहुत सारी कुछ भी बना सकते हैं, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल का कुछ कुछ भी डिज़ाइन हम करके इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। जी लेफ्ट साइड से हमें कुछ दिखने में इस टाइप का दिखेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड का जो पिलर्स है वो कुछ एक ही तरह का दिखाई देगा, कि नहीं गैप तो दिखाई नहीं देगा ऑब्वियसली, अगर हम दूर से देखते हैं किसी से तब उसमें गैप दिखाई देगा, इसलिए लेफ्ट साइड से दिखने में कुछ इस साइड का दिखाई।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ नया सीखता हूँ वो मैं उसका वीडियो में इस पर डालता हूँ। सो मैं इल्यूजन का ये कुछ नया स्केल टूल की वजह से किया, तो मैंने इसका वीडियो डाल दिया, ठीक है। एंड हाँ, मैं एक्चुअली किन किन चीज़ों पर काम करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है राइव एप्लीकेशन, एंड दूसरा फिगमा एंड इलस्ट्रेटर हो गया, एंड देन उसके बाद हो गया फोटोशॉप एंड एनिमेट। एनिमेट पे भी मैं काम करता हूँ। एक्चुअली मैंने अपने यूट्यूब पे एक लाइव पे जो मैंने काम किया, एक्चुअली वो एक बटन बनाया मैंने, स्विच बटन, ठीक है, डे एंड नाइट मोड का स्विच बटन मैंने बनाया हुआ है। वो कैसे बनाया हुआ है वो मैं उस पर वीडियो भी डाला हुआ हूँ। सो लाइव एप्लीकेशन भी मैंने बनाया हुआ है एनिमेशन उसका, तो अगर हम क्लिक करते हैं तो वो नाइट मोड में कन्वर्ट होकर मून बन जाता है, सन जो है वो मून बन जाता है। सो ऐसे ही मैं वीडियो डालूंगा, एंड इस पर मैं मिनी ब्लॉग भी डालूंगा, एंड जो भी चीज़ मैं सीखता रहूँगा वो सब डालूंगा। सो अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं कॉमेंट में नीचे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा।